बिजली का बिल एक वैलिड एड्रेस प्रूफ है। अगर आपको कहीं भी एड्रेस अपडेट कराना है या आपको एड्रेस प्रूफ देना है तो आप उसमें बिजली का बिल दे सकते हैं, लेकिन बिजली वाला मीटर की रीडिंग के बाद जो स्लिप देता है वो एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि उस पर पूरा एड्रेस नहीं होता है, बल्कि आपको ऑनलाइन एक डिजिटल कॉपी डाउनलोड करनी होगी एड्रेस प्रूफ के लिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन बिजली का बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं कहीं भी एड्रेस प्रूफ में लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर स्टेट का अपना एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जिसकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन बिल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यूपी का है UPPCL, पंजाब का है PSPCL। इसी तरह से आप अपने स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट को आसानी के साथ गूगल में फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यूपी के लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे UPPCL। इसके बाद बस आपको लिखना होगा ऑनलाइन बिल पेमेंट। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, लेकिन अगर आप न्यू है तो आप यहाँ रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर बिल नंबर डालना है या फिर SBM बिल नंबर डालना है, ये आपके बिल पर लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें देखिए बिल नंबर इस तरह से लिखा हुआ होता है और अकाउंट नंबर इस तरह से लिखा हुआ होता है। ये अगर आपके पास दूसरे तरह की स्लिप है जो कि मीटर से निकाली जाती है तो उसमें भी आप यहाँ पर देखिए ये है बिल नंबर और नीचे यहाँ पर अकाउंट आईडी के सामने जो लिखा हुआ है ये है अकाउंट नंबर। तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और यहाँ पर बिल नंबर डालना है या फिर यहाँ पर आपको SBM बिल नंबर डालकर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें अकाउंट नंबर, बिल नंबर होगा और साथ ही आपका मीटर कितने किलोवाट का है वो भी होगा, सिक्योरिटी अमाउंट आपने कितना डिपॉजिट किया हुआ है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, आपका पूरा नेम और पूरा एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा। नीचे बस आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और आपको ईमेल आईडी को दोबारा से डालना है ताकि कंफर्म हो जाए। यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है लॉगिन करने के लिए और यहाँ पर पासवर्ड को कन्फर्म करना है दोबारा से डालकर। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे और यहाँ पर आप उसका आंसर देंगे। अगर इन फ्यूचर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा और आप पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद आप यहां एग्री टू रजिस्टर पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल सेंड किया जाएगा जिसमें एक लिंक होगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद किसी भी टाइम बस आप अपने स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पर आएंगे और आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जो कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है ये कैप्चा आप एज इट इज यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर माई अकाउंट है, इसमें आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, अकाउंट की समरी देख सकते हैं। यहाँ बिल ऑन ईमेल पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी पर बिल मंगा सकते हैं। पे बिल पर क्लिक करके यहाँ आप डायरेक्टली बिल पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके आप यहां से अपने पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर काफी सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे कि कंप्लेंट पर क्लिक करके आप यहां ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका आप स्टेटस भी यहीं पर देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप बिल में आएंगे और यहाँ व्यू बिल पर आप क्लिक करेंगे। व्यू बिल पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पूरा एक चार्ट आ जाएगा और आप यहाँ से किसी भी महीने का बिल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे लेटेस्ट यहाँ जनरेट हुआ है 20/5/2020 को, तो आपको यहाँ पर एक PDF आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ आपके सामने बिल आ जाएगा इस तरीके से और यहाँ आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आपका जो भी यहाँ पर बिल अमाउंट पेंडिंग होगा वो इस तरह से ऊपर यहाँ स्क्रॉल करता हुआ आपको दिख जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके उसको पे कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे करने के लिए यहाँ पर काफी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग, सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चूज कर लेंगे कौन सी इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करना चाहते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ये आपको उसी इंटरनेट बैंकिंग पर ले जाएगा या फिर आप यहां अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप यहां कंफर्म पर क्लिक करेंगे, यहां से आप एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, OTP डालकर आप कंफर्म करेंगे तो यहां पर देखिए आपका बिल सक्सेसफुली पे हो जाएगा।
इसके बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा UPPCL की वेबसाइट पर, और यहाँ आप प्रिंट पर क्लिक करके डायरेक्ट रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं कि आपने पेमेंट कर दिया है। किसी भी टाइम आप यहाँ मैनेज अकाउंट में आएंगे और यहाँ अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं और आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जो भी नई डिटेल्स आप यहां पर फिल करेंगे वो सब यहां पर सीड हो जाएगी। इस तरह का आपको बिल मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट करके कहीं भी एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हैं, इसमें पूरा एड्रेस दिया गया है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।